नमस्कार, देवनंदिनी आई केयर हापुड़ से मैं डॉक्टर गोविंद सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने। अक्सर बहुत सारे बच्चे मेरे पास आजकल आ रहे हैं कि उनको दिक्कत हो रही है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, स्क्रीन का यूजेस टाइम बढ़ गया बच्चों का, बहुत सारा हेडेक हो रहा है उनको, आंखें लाल हो रही है, खुजली हो रही है, दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं जब भी कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल फोन पर काम करते हैं, उसके बाद उसको दिक्कत हो जाती है, हेडेक हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो ये है बेसिकली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कुछ चीज़ों को मिला के बना, उसकी नंबर वन है स्क्रीन यूज। जैसा कि कोविड टाइम में लॉकडाउन की वजह से सारा काम घर से हुआ, क्लासेस भी घर से हो रही हैं और मार्केटिंग भी घर से हो रही है, सारे जॉब घर से हो रहे हैं, तो इसकी वजह से स्क्रीन का टाइम बढ़ गया, स्क्रीन यूजर्स टाइम बढ़ गया। और घर से दूसरे से संपर्क करने का एकमात्र साधन इंटरनेट होता है, इंटरनेट यूज करने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए, और स्क्रीन हमेशा एक ब्लू लाइट इमिट करती है। तो हमको स्क्रीन के यूज से जो परेशानियां आती हैं, स्क्रीन के यूज से हमें तीन परेशानियां नॉर्मली आती हैं। सबसे पहली परेशानी होती है कि बच्चे ये कहते हैं कि उनको खुजली हुई है, थोड़ी देर काम करने के बाद में थकावट महसूस होती है, आँख ऐसा लगता है हवा लग गई, भरी भरी सी आँख हो जाती है यहाँ, और इचिंग होती है, पानी जाता है आँख से, खुजली होती है, ये लगता है कुछ पड़ गया है आँख के अंदर, रेत जैसा पड़ गया है, पड़ा हुआ कुछ भी नहीं होता है, और उनको धुंधला दिखने लगता है, दो दो दिखने लगते हैं और हेडेक होने लगता है। ये मेन कंप्यूटर विजन की परेशानियां होती, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इन सब समस्याओं को मिला के बनता है। और लास्ट में बच्चे परेशान होकर लाल आंख और सर में दर्द होकर के हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहली परेशानी इसके दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के हमेशा दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो है मैकेनिक। इसके अंदर नॉर्मली हमारी आंख जो होती है वो दो मीटर से 10 से 12 मीटर के बीच में फोकस होती है, लगभग 20 फीट के करीब हम मान लें, 20 फीट के आसपास की डेप्थ पे हमारी आई नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन में फोकस होती है, 2 मीटर से 6 मीटर के बीच में। लेकिन 2 मीटर से 6 मीटर के बीच की डिस्टेंस में के आगे या पीछे जाने के लिए हमें थोड़ी सी अपर्ट करनी पड़ती है। तो जब भी हम पास की चीज़ देखते हैं तो हमको थोड़ी सी अपर्ट करनी पड़ती है हमारी आई की मसल्स को। लेकिन अगर हम इसी काम को, कोई कुछ पढ़ना है हमें, एक पेज पढ़ना है या एक आर्टिकल पढ़ना है, तो हम ये 5-10 मिनट का काम होता है, इसको करके फिर हम दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं, हमारी आँख फिर से जो है वो 20 फीट दूर फोकस हो जाती है। लेकिन जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं उनकी आई एक लंबे समय तक, आधा घंटा, एक घंटा, दो दो, कभी कभी दो दो तीन तीन घंटे कंटिन्यूसली उनकी आँख पास में 60 सेंटीमीटर के आसपास, 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में फोकस रहती है। तो 6 मीटर की जगह हम लोग 60 से 80 सेंटीमीटर में फोकस अगर हो जाएंगी हमारी आई, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमने इस पेपर वेट को लिया, जिसे उठाए के रखना नॉर्मल मुझे पता ही चलेगा इसमें कितना वेट है, लेकिन अगर मैं इसे 20 मिनट तक होल्ड किए रहूँगा तो ये मेरे हाथ में, कलाई में, कोहनी में, कंधे में, रीढ़ की हड्डी तक, हर जगह दर्द पहुँचा देगा, हर ज्वाइंट थक जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर हम देर तक फोकस किए रहेंगे स्क्रीन पर। दूसरा काम क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो हमारा पैल्पेबुलर फिशर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, उसकी वजह से हमारे आंसू जल्दी सूखने लगते हैं, और एक स्ट्रेन हमारे फेस की मसल्स पर पड़ता है हल्का सा, जिससे कि हमारी पैल्पेबुलर फिशर चौड़ी हो जाती है ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि ब्लिंकिंग कम हो जाती है, जो हम 10 से 12 बार ब्लिंक करते हैं मिनिमम एक मिनट के अंदर, वो गिर के 6 से 8 बार ब्लिंकिंग रह जाती है। तो इसकी वजह से भी पानी जो है हमारी आँख से कम हो जाता है। एक तो पैल्पेबुलर फिशर चौड़ा होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, दूसरा क्या हुआ कि ब्लिंकिंग कम होने की वजह से रिप्लेनिश नहीं हो पाई दोबारा, और तीसरा जो फैक्टर होता है वो ज़्यादातर हम लोग एसी में बैठते हैं, तो एसी वैसे भी डेसिकेट करता है, वो हटा देता है, पानी कम कर देता है, एयर कंडीशन में पानी कम हो जाता है, आपका पानी जल्दी सूखता है। तो हमको क्या करना है, अब इसका एक दूसरा फैक्टर
इसके अंदर होता है ये मैकेनिकल फैक्टर हो गया, इसके अलावा एक फैक्टर होता है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट जो होती है उसके अंदर थोड़ी सी हीट होती है जो 415 नैनोमीटर से लेकर के 455 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ जो होती है वो थोड़ी सी हीट लेके चलती है। इस हीट की वजह से हमको जो है ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये 2 घंटा या 2.5 घंटा अगर किसी ने काम किया तो इस हीट का भी एक ये हीट कॉर्निया को पेनिट्रेट कर जाती है और इसका एक जो इफेक्ट होता है वो थकान और हेडेक के रूप में सामने आता है, ऐसा कुछ लोगों को कहना है। तो अब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को काउंटर करने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल मैकेनिज्म है। एक तो ब्लिंकिंग प्रॉपर करते रहना है, बहुत ज़्यादा आँख गढ़ा के काम नहीं करना है। दूसरे हर अपना काम करते समय 20 मिनट के अंदर हमें काम को रोक देना है, 18 मिनट भी हो सकते हैं 22 मिनट भी हो सकते हैं। तो इससे 1 से 2 मिनट के लिए हमें रेस्ट लेना है नॉर्मली, अपनी आई को 60-80 सेंटीमीटर पर जो हमें फोकस कर रखी है वहाँ से उठा के उसको ले जाना है हमको 6 मीटर। तो 6 मीटर से या 6 मीटर से आगे जब हम ले जाएंगे तो नॉर्मल सिचुएशन पहुँच के थकान कम हो जाएगी। मतलब हमने स्टोन लिया हुआ आई जो पेपर वेट है हमारे हाथ में इसको हमने फिर से रख दिया, तो इसे बार बार लेके रखते रहेंगे तो स्ट्रेन कम हो जाएगा, ये सिंपल फिनोमेना। इसके अलावा हमें एक लुब्रिकेंट यूज़ करना है, कोई सा भी लुब्रिकेंट, बेहतर लुब्रिकेंट कंपनियों के डिफरेंट आते हैं, वो हमको एक लुब्रिकेंट आँख में बराबर डालते रहेंगे। काम शुरू करने से पहले डाल सकते हैं, काम शुरू करने के बाद डाल दें, बीच में जब भी कभी दिक्कत हो लुब्रिकेंट हम कितनी बार डालें हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होती है। तो एक लुब्रिकेंट यूज़ करते रहेंगे। फिर कुछ लोगों का स्क्रीन टाइम अगर वाकई ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे टीचर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या मार्केटिंग के लोग हैं, तो इन लोगों को जो जिनका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा का है दिन में, उन लोगों को हमेशा ब्लू कटिंग ग्लासेस होते हैं, जो ब्लू लाइट को कट करने वाले ग्लासेस आजकल अवेलेबल हैं सारी कंपनियों में, तो या तो अगर नंबर का ग्लास लगाते हैं तो ब्लू कट ग्लास के साथ लगाएं उसको, तो ब्लू रेस कटिंग ग्लासेस आते हैं उनके इस्तेमाल से काफ़ी आराम मिल सकता है। और एक हमेशा चश्मे का नंबर जो है वो करेक्ट रखें अपना, हर 6 महीने में चश्मे का नंबर करेक्ट कराते रहें, क्योंकि अगर चश्मे का नंबर करेक्ट नहीं होगा तो भी हेडेक जल्दी हो जाएगा। और जनरल हेल्थ को अपनी बिल्कुल फिट रखें, एक्सरसाइज करते रहें, हरी सब्जियां, रंगीन सब्जियां, ताज़े फल, इन सब का सेवन अधिकतर करते रहें और भूखे ना रहें। भूखे रहने से भी दिक्कत हो जाती है, व्रत लोग रखते हैं, डाइटिंग करने के चक्कर में कम खाते हैं, उससे भी उनको जो है हेडेक इंड्यूस हो जाता है। ठीक।